गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी पेपर फर्स्ट प्लांट टैक्सोनॉमी का सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो हम इस वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में, डिफरेंट अनेक प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन काल से अब तक पादपों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया कि या उनका वर्गीकरण का आधार क्या रहा। तो क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को उनकी हिस्ट्री के बेसिस पर हम चार प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, थर्ड नेचुरल सिस्टम एंड फोर्थ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, तो पहला जो ये टाइप है, जो सिस्टम है, इसमें प्राचीन काल में जब वैज्ञानिकों को, जो साइंटिस्ट थे, उनको टैक्सोनॉमी का या वर्गीकरण का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने उस समय के ज्ञान के आधार पर पादपों का क्लासिफिकेशन उनकी बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया। मॉर्फोलॉजी में उन्होंने जैसे ट्रीज, हर्ब, शब, पौधों की हाइट के बेसिस पे, उनकी लंबाई के बेसिस पे, उनके यूजेस के बेसिस पे, जैसे मेडिसिनल प्लांट हैं उनके क्या यूज़ आते हैं, प्लांट पार्ट्स के यूज़ क्या हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स या बाह्य आकार की बेसिस पर पादपों का क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, उनको पादपों को वर्गीकृत किया। जैसे जैसे टैक्सोनॉमी में कुछ टैक्सोनॉमी जैसे प्रगति की साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने नई पादप वर्गीकरण पद्धतियों का आविष्कार किया या उनके बारे में जाना। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम, कृत्रिम पद्धतियाँ, जो कि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसे आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर क्या आता है कि ऐसे वर्गीकरण या ऐसे पादपों को रखा जाता है सिस्टम के अंदर जिसके, ये जो पद्धति है कृत्रिम वर्गीकरण, इसका वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं लिया जाता है और ये मान्य भी नहीं है, इसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। वर्गीकरण के जो प्रारंभिक काल में, प्राचीन काल में इस आर्टिफिशियल सिस्टम का को जाना गया था, इसके अंदर क्या होता है कि पौधों के बारे में जानकारियां ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, तो ये जो पद्धति है इसमें किस कुछ या एक या कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर ही पादपों को वर्गीकृत किया गया था। उदाहरण के लिए लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उनका क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ स्टैमंस के पुंकेसरों की संख्या पर आधारित था, तो उन्होंने केवल एक लक्षण के आधार पर पादपों को वर्गीकृत किया। तो इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशंस हैं जो केवल एक या दो लक्षणों पर ही आधारित हैं और उनमें ज़्यादा पादपों के लक्षणों का या उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स का वर्णन नहीं किया गया है, ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाता है। इसका उदाहरण है कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन। दूसरा हम या बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की या प्राकृतिक पद्धतियाँ। प्राकृतिक पद्धतियों की शुरुआत या नेचुरल सिस्टम की शुरुआत 1830 में शुरू की गई थी। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बाद नेचुरल सिस्टम की शुरुआत हुई, प्राकृतिक पद्धतियों की शुरुआत हुई। ये जो सिस्टम है इसके अंदर प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धतियों में पादप के प्राकृतिक संबंधों पर आधारित है, जैसे कि पादप के विभिन्न अंगों की आकार की मॉर्फोलॉजी को सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा नेचुरल सिस्टम जो है वो आपसी बंधुता के ऊपर बेस्ड है। आपसी बंधुता मतलब पादपों के अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर पादपों की आकार की समानता और उनमें पाए जाने वाले अंतर के आधार पर नेचुरल सिस्टम या ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया गया या पादपों क्लासिफाइड किया गया।
इसमें दो या दो से अधिक पादप के लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम के ऊपर आधारित है। ये जो सिस्टम है नेचुरल सिस्टम ये या नेचुरल प्राकृतिक पद्धतियों में पादप के उन सभी लक्षणों का विशेष महत्व होता है जो प्रकृति में स्थायी रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल सिस्टम की शुरुआत हुई या पादपों को क्लासिफाइड वर्गीकृत किया गया। थर्ड लास्ट जो आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या जाति वृत्तीय पद्धतियाँ, ये सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन है और आज के टाइम में इसी की सर्वाधिक मान्यता है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिस्टम या बाय नेचुरल सिलेक्शन के पश्चात यह विकसित वर्गीकरण पद्धतियां जाति वृत्तीय पद्धतियां कहलाती हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के अलावा इसका जो मेन आधार है वो इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक एफिनिटीज हैं। पादपों का उद्भव किस प्रकार से हुआ है और उनमें जीनीय समानताओं के आधार पर जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति का विकास हुआ, इसमें ये देखा जाता है कि उस पादप के इतिहास के बारे में, उसके इतिहास को जानकर उसके उद्विकासीय इतिहास के बारे में, पादपों के उद्विकासीय इतिहास को जानकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत यह देखा जाता है कि कोई विशिष्ट जाति, कोई विशेष स्पीसीज की उत्पत्ति किस काल में हुई है और तथा उसके प्रेजेंट में, वर्तमान में उसके जो संरचनात्मक लक्षण प्राप्त हुए हैं, जो जो या जो कैरेक्टर्स देखे जाते हैं प्राचीन काल से अब तक या उसके उद्विकास से लेके अब तक, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उन चेंजेस में उस सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर या उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर और उसमें उन हिस्ट्री में उन पादपों में पाए जाने वाली जेनेटिक एफिनिटीज़ के बेसिस पर जीनीय समानताओं के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, एंगलर और प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये तो इस प्रकार से पादप वर्गीकरण की ये चार पद्धतियाँ पाई जाती है, इन्हीं के बेसिस पर पादपों का क्लासिफिकेशन किया गया है।